आप भगवान शिव के कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जानते होंगे। हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अपनी किस्मत खोलने के लिए ताला लगाना पड़ता है। यहां पर ताले में आपकी किस्मत कैद होकर भगवान के हाथों में होती है। प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में मौजूद है नागेश्वर नाथ प्राचीन महादेव मंदिर। इस मंदिर में भक्त अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बांध देते हैं एक ताला। मन्नत पूरी होने पर भक्त संभाल कर रखी गई चाबी से अपना लगाया ताला खोल देते हैं। ताले वाले शिव मंदिर के नाम से पूरे प्रयागराज में विख्यात है यह मंदिर। यह मंदिर 500 साल पहले मुगल काल में स्थापित किया गया। मंदिर के बढ़ती मान्यता के कारण यहां भक्तों द्वारा लगाए तालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। मंदिर में मन्नत मांगने के लिए लोग मंदिर प्रांगण में ताला लगाते हैं। उसके पश्चात भगवान के समक्ष माथा टेक कर पूजा अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। जिसके बाद जब वह मन्नत पूरा हो जाता है तो भक्त वापस मंदिर आकर ताला खोल कर भगवान जी को धन्यवाद करते हैं। नागेश्वर महादेव मंदिर जमीन से करीब 5 फीट अंदर बना हुआ है। कहा जाता है कि ये मंदिर 500 साल पुराना है। इस रहस्यमय मंदिर में मांगी गई सभी कामना जरूर पूरी होती है। मान्यता है कि यहाँ जब कोई भक्त मन्नत मांगने के लिए आता है तो वह मंदिर पर ताला लगा कर जाते हैं, लेकिन जब कामना पूरी हो जाती है तो वापस मंदिर आकर उस ताले को खोला भी जाता है। नागेश्वर महादेव मंदिर में एक छोटा सा प्राचीन शिवलिंग है जिसे नाथ संप्रदाय ने स्थापित किया था। मंदिर का निर्माण भी इसी संप्रदाय द्वारा किया गया। यह मंदिर स्थानीय लोगों के साथ पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना बेहद आसान होता है। यहाँ पर इस दिन बहुत भीड़ होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। पूरे देश के शिव मंदिरों पर भक्त गंगाजल लेकर आते हैं और मन्नत मांगते हैं। इस मंदिर में एक गजब की शक्ति देखने को मिली, इसीलिए यहाँ पर तालों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। लगभग 5 फीट गहराई में स्थित इस छोटे आकार वाले नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर की चर्चा पूरे शहर में होती है, क्योंकि यह एकमात्र मंदिर है जहां अपनी किस्मत खोलने के लिए लोगों को ताला लगाना पड़ता है।